नित्य सहायक माता के आदर में नोवेना। नित्य सहायक माता प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, कर सदा सर्वदा। हे परम पवित्र और निष्कलंक कुवारी तथा हमारी माता मरिया, तू ही हमारी शरण, सहारा और भरोसा है। एक साथ आज हम तेरे पास आए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी हैं। हे नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए ये कृपाएं मांग ले। एक साथ प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा, ताकि हम तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रह सकें। हे नित्य सहायक माता, एक साथ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने गलीले के काना नगर में माता मरिया के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरे में बदल दिया था। अब तू इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। एक साथ हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मरण के समय। तेरा नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब हम तुझे पुकारे हमारी सहायता कर। तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। एक साथ
हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। दुख और तकलीफें कभी कभी निराश कर देती हैं। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती हैं और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर, हे अति दयालु माता, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हमको हमारे कष्टों से उभारे और यदि ईश्वर की यही इच्छा हो कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहे, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहायक माता, अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे यह सब मांगते हैं। निवेदन। आपका अनुवाक्य है, हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे संत पापा को हमारे धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और राष्ट्रीय नेताओं को बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, सब मनुष्य सामाजिक शांति और धार्मिक एकता में भाइयों जैसे रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नोवेना परिवार के सब पुत्र पुत्रियों को अपने कामकाज पसंद करने में मार्ग दिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नोवेना के लोग तेरे पवित्र इच्छानुसार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और बीमार अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नोवेना के सब मृत सदस्यों को और सभी मृतकों की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे इस नोवेना के सभी विशेष मतलबों और उपस्थित लोगों की आवश्यकताओं में मार्ग दिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सब मनुष्य तेरे सत्य के प्रकाश और प्रेम की तीव्रता को अनुभव करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदन नित्य सहायक माता के सामने रखें। धन्यवाद। आपका अनुवाक्य है, हे प्रभु, हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। कृपा की उस नवजीवन के लिए
जो तूने हमें प्रदान किया है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं उन सब कृपाओं के लिए जो कलीसिया के संस्कारों द्वारा हमें मिलती है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं उन सब आत्मिक तथा सांसारिक कृपादानों के लिए जो तूने हमारे नोवेना परिवार को दिए हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपने पाए हुए उपकारों व कृपादानों के लिए नित्य सहायक माता को धन्यवाद दें। बीमारों के लिए प्रार्थना। एक साथ, हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित है, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें स्फूर्ति दे, ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाए कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे, वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, एक साथ, आमीन। देख, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहें। एक साथ, हे नित्य सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है, हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है, तू ही हमारा आसरा व भरोसा है, हम तेरे बच्चे हैं। प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर, यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर ना रहेगा। ख्रीस्त से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सर कुचलने वाली है, जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में ना चूके और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा ना खो दे। इसलिए हे नित्य सहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी युगों के ख्रीस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण लें।
एक साथ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। एक साथ, कि हम ख्रीस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहे। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो युगान युग जीता रहता और राज करता है। एक साथ, आमीन।